ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁਗਲ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੰਸ਼ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤੋਂ ਨੇ इतना सामना किया, 1000 वर्ष तक ये राजे लड़ते रहे और लेकिन हिंदू धर्म के लिए लड़ते रहे। राव रतन सिंह की मैं कहानी बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर हमला किया और उसको जब रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया तो उसने समझौते का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस मक्कार में राव रतन सिंह जी को, राणा रतन सिंह जी को उठाकर ले गए और तब महारानी पद्मिनी हमारी जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वो भी वॉरियर थी, वो भी लड़ती थी। पद्मिनी ने गोरा बादल को इकट्ठा किया और अलाउद्दीन खिलजी के पास गए, वो कहानी आपको पता है, और राणा को छुड़ाकर लेके आए। खिलजी बहुत गुस्से में आया, उसने चित्तौड़ के किले को घेर लिया और कई महीनों तक जो किला थे, 12 पुत्रों में से 11 पुत्रों को लड़ाई के लिए भेजा और 11 पुत्र जो है एक ही दिन में शहीद हो गए और अपने आप को त्याग किया। और सबसे पहले जो मलेच्छ थे, महारानियों ने एक संगठन तैयार किया कि ये मलेच्छ है, ये हमें हाथ ना लगा सके। जो पहला जौहर हुआ 20,000 रानियों का, उन्होंने जौहर किया, जलती हुई के लिए गए। तो ऐसे जो राजपूतों का इतिहास है, वो चित्तौड़ का जो लड़ाई थी उसको हमेशा से बताया गया कि महाराणा प्रताप हारे हैं। हमारे अभी ये शर्त हुई है कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ का युद्ध जीते थे, उसके बाद रेल का युद्ध महाराणा प्रताप ये जीत के बहलौर खान को सिर से लेकर नीचे तक घोड़े के साथ उसको मार दिया था। उनके बेटे ने भी एक मुस्लिम सरदार को भाले से नीचे गाड़ दिया था। ऐसे महाराणाओं की, सूरवीरों की जो गाथाएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आज की जो शत्रु है हमारे पास खड़ा है। आज की जो गंगाए हिंद की जो कहानी है वो पाकिस्तान में सोची जाती है और हमारे देश में भी दिलेर के इस स्मारक पर जो कि हर क्षत्रिय के लिए, हर हिंदू के आज श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के 483वें जन्मदिन के उपलक्ष्य के पिंड अगमपुर विखे महाराणा प्रताप पार्क के उन्होंने जीवन काल में उन्होंने किए हुए संघर्ष में, उन्होंने किए हुए बलिदान में आज सारे अगमपुर वासियों ने और इस हल्के के वख-वख पिंडों तो आए हुए नुमाइंदियों ने श्रद्धांजलि दी है। तो असी आने वाले समय के भी बच्चों के इस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जो जीवन काल है, जो उन्होंने संघर्ष है, वो पहुँचाते रहेंगे। मैं अज के नौजवानों को यही गुजारिश करांगा कि वो अपने पूर्वजों तो सेध लैन कि किस तरीके साडे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपना परिवार तक अपना सरबंस वार दिता, लेकिन उस समय के मुगल शासकों की ईन नहीं मनी। तो अज सानू उन्होंने अपना रोल मॉडल बना के उन्होंने जीवन तो प्रेरणा लैके अपने जीवन के इसे तरीके संघर्ष करना चाहिए और स्वाभिमान जीना चाहिए।